बैक टू मैं आपका अपना दितमत खान। तो कैसे आप लोग, आपको पता है कि मैं इतना बिजी था आज। सो अभी रात को 7 बजे ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, 7 बजे, क्योंकि आज मेरे भाई की मेहंदी है, भाई की भी है और बच्चों की, उसके साथ तो और भी है, तो वो बच्चे भी हैं। और ये मैं ब्रेकर पे आके और अपनी मोबाइल की राइट से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कब से यार वो लेके आओ मेहंदी लेके आओ, ये आपको पता है शादी वाले घर। अगर आपको ये पूरे सामान, मतलब कल मैं इंशाल्लाह ब्लॉग फिर से, क्योंकि उसके साथ कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि छोटा सा ब्लॉग बनेगा, क्योंकि 7 बजे है, थोड़ा बच्चा दिखाऊंगा, उसके बाद जो मैं स्पीकर पर बैठूंगा वो दिखाऊंगा, उसे ब्लॉग खत्म कर दूंगा। इससे अच्छा मैंने कहा आज का दिन और कल का दिन साथ करके फ्राइडे को रख दूंगा ब्लॉग। आज कौन सा दिन है, अच्छा है वेनसडे, ठीक है, तो मैंने कहा फ्राइडे को पूरा ब्लॉग रख दूँ, कल का पूरा दिन खुआरी वाला दिखाता हूँ कि कैसे खुआरी होती है। अब पता नहीं कल खुआरी होगी, क्योंकि कल कोई फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं है, तो देखते हैं कल अगर कोई खुआरी होगी तो वो भी आपको दिखा देंगे। और अभी मैं यहीं पे बैठा था तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ, यूनिस अपने काम में था आज, मैंने सोचा आईफोन से नहीं, दिनों से करते, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आईफोन की रिजल्ट ना मुझे इतनी अब वह तो अभी उस दिन 11 की रिजल्ट मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा यूनिस से रीनो मांग ली, यूनिस ने कहा ये ले लो, तो मैं यूनिस की रीनो से अब शूट कर रहा हूँ। सो आप खुद बताएं इसकी रिजल्ट मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ये ले लूँ या 6 नहीं 7 प्लस लूँगा, क्योंकि अभी मुझे 7 की ज़्यादा रिजल्ट पसंद है। सो अभी यहाँ पे बैठते हैं जब तक ये फंक्शन चल रहा है। सो अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं ऐसे वेले, स्पेशली मैं तो वेले ही बैठा हूँ, क्योंकि ये पबजी खेल रहा है। और अभी तक वहाँ पर थोड़े चेहरे वगैरह होंगे, फिर बच्चों को मेहंदी वगैरह लगेगी, बच्चों को मेहंदी लगे फिर मैं आपको बच्चे भी दिखाता हूँ कैसे उनको मेहंदी लगी है। मैं ऐसे वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो आपको पता है मेरे साथ ना आज एक सीन हो गया, बड़ा सीन हो गया था, मैं आपको बताता हूँ पता है क्या हुआ। जब मैं ना वगे पहन, इसको भी बताया ना, ठीक है, तो मैं ये ब्लू वाला ना ये मैंने लिटरली आज पहना है, ठीक है, ये मैंने सिलवाया, मैंने कहा भाई की मेहंदी पे पहनूंगा। और आपको पता है क्या सुना था, मैं दिखाता हूँ, पहली बार पहन रहा हूँ ये मोबाइल के सट गई, ये देखें ये सीन हो गया। अब ये पहना भी एक ही बार है, मैंने सिर्फ एक बार पहना और ये हो गया भाई, ये पूरा इतना बड़ा होल हो गया तर, यहाँ देखें ये देखें, अब इसको और हाथ लगाना ये बड़ा होते जा रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम पहना होता यार, कहते हैं बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, तो मैंने अभी लेते लिए पहली बार पहना, और पहली बार मेरे साथ क्या हो गया हादसा, क्योंकि मैंने तो वॉच भी सेम ली थी। और एक चीज़ आपको याद, फ़ोन के वगे पे ना अगर थोड़ी सी भी कुछ चल जाए ना तो ख़त्म हो जाता है। और मैं ऐसे वाला बैठा हूँ, अब जब तक ये आए फिर गाने चलेंगे। आने के बाद घर का ये हाल चुका है, सो ये हाल हो चुका है पूरे घर का। ये देखें यहाँ पे हाथ फैले हुए हैं, ये यहाँ पे बीच में कुर्सी आ गई, ये यहाँ पे खट्टा गई, वो बेचारा सफाई करते हुए कि मैंने कहा मैं व्लॉग बनाता तुम तक सफाई करने से, ठीक है, तो वो सफाई कर रहा है। और ये पूरा यहाँ पे, ये तो आपको उस दिन दिखा दिया था, ये पूरा यहाँ पे हो गया है। और वहाँ यहाँ पे यासिन बैठा है और ये स्पीकर है, और क्योंकि हमारे भाई की अभी तो यहाँ मेहंदी है, आज तो मेहंदी थी, वो बच्चों को भी मेहंदी लगाई और मेरे भाई की मेहंदी, और वो चली गए वो लड़की वालों की तरफ, और बच्चों को जो लगाई है वो बच्चे अंदर हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं। लेकिन ये हाल हो चुका है इस सोथा का। सो हम लोगों ने सोचा अब मेहमान आएंगे और हम लोग वो लड़के की तरह नहीं होता, वो नहीं करें, तो हमने सोचा थोड़ा ओताक को ही साफ़ कर लें, तो हमने थोड़ा ओताक को बना लिया है। तो ये ना ये हमारे टोटल अभी ओताक है, यहाँ पे वो लोग वगैरह आएंगे, जहाँ पे मैं अभी बूट पहन के आया हूँ, बूट भी गंदे हो गए, वहाँ पे डस्टबिन पड़ा हुआ है, ये रुमाल वाला, वो सिगरेट लाइटर वगैरह, ये पूरा अभी ये हम लोगों ने आज मतलब पूरा सामान वगैरह लेके आया भाई और लगा दिया। और मैंने अभी मतलब 1 घंटा 2 घंटा हुए मैंने इस ओताक को दिखाया, और बहुत अच्छी लग रही थी यार, टाइट लग रही है ना, क्योंकि बहुत मुझे खुद पसंद आ रही है अभी इसके साथ, मतलब अंत लग रही है, और ऊपर से पर्दे भी मैचिंग हो रहे हैं। और अभी इसके लिए शायद सोफ़े लेके आएंगे, उसका पता नहीं, लेकिन लेके मैं, क्योंकि हम यहाँ तो ज़्यादा रहते नहीं हैं, यहाँ पे बस ये शादियों के लिए है, और यहाँ पे रिली वगैरह बिछाएंगे, आज तो ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन शादी पे रिली वगैरह बिछाएंगे। अभी ये बाबे वाले पत्ते खेल रहे थे, अबू वाले, सॉरी बाबे वाले नहीं, मैं उसको बाबा कहता हूँ, अब अबू कहें जो कहना है कहें, शास्त्री नहीं मुसलमान है अबू बोल, ओवर एक्टिंग हो, सॉरी। ये कुर्सी वगैरह पड़ी हुई है, यहाँ पर बैठे थे, और ये पूरे था, और ये दस्तियाब है, वो तो आपको पता होगा क्या है। और ये अबे ये दरिया है, ये यहाँ पे दरिया है, क्या गिरा, टेप सॉल्यूशन गिरी, और ये कैंची वगैरह, ये पूरा गिर गया, पूरा पाड़ा खराब शांत पड़ा हुआ है ना, सब फ्यूज हो गए हैं ना। अब इस दरी को भी बंद कर देते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, अब ये पूरा दरी बंद है, इस दरी को भी देख लो,
हाँ ये भी सभी बंद ही है, पर कमरा टाइट लग रहा है और ये पंखा भी चल रहा है। मेरा तो सच्ची बताऊँ इस कमरे से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा, क्या इतना टाइट कमरा है। ये थोड़ा अभी ख़राब हुआ पड़ा है, जब ये सोफ़ा सामान लग गया फिर मैंने जाके देखा था ना, एकदम टाइट लग रहा। लेकिन अभी ये वो चाय वगैरह पड़ी हुई है वहाँ पे, कप रिली वगैरह, ये पूरा साफ़ हो जाता है ना तो टाइट लगता है। पंखा चला देते हैं ना, चल रहा चल रहा है। कमरा ठंडा होगा मतलब कोई रात जगह ना हो तो मैं यहाँ से जाऊँगा। ये पंखा भी आ गया भाई, ये ख़राब था, चेंज किया हुआ है शायद से। और यूनुस ने सफाई आधी तो कर ली है ना, गुड वर्क ब्रो, थक गया है बेचारा है ना। इतने मेहंदी वाले वो मैं आपको दिखाता हूँ, और आप खुद बताएं नीरा होगा अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे पता है आप कमेंट करते हैं, लेकिन अगर अच्छा लग रहा तो हिट लाइक करें। मैं आपको बच्चे दिखाता हूँ जिन्होंने मेहंदी लगाई थी। इधर आओ इधर बेटा। तो ये रे हुसैन की मेहंदी लग चुकी है, कह रहा हुसैन ये दे दे दू है ना। और पैरों पे भी इसने मेहंदी लगाई, पैर वाले दिखाओ, ये पैरों पे भी मेहंदी लगाई है, हाथ पे भी, हाथ पे लगाओ दिखाओ। तो इसने हाथ पे मेहंदी लगाई है, और किसने लगाई है मेहंदी? हसीब ने भी लगाई है। अब ये जब तक हसीब को लेके आते हैं इंतजार करते हैं। तो ये हसीब ने भी मेहंदी लगाई हाथ पे है ना, हसीब पैरों पे भी लगाई है जी भाई। तो ये इसने पैरों पे मेहंदी लगाई है ना भाई। थैंक यू असीब फॉर योर टाइम, विश लाइक कमेंट सब्सक्राइब, गुड हो गया जी। हुसैन विश लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, हाँ अरे वाह 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 वाह। अभी अबू ने बोला ये पूरी लाइट्स बंद किया क्या, क्योंकि बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, और ये हवा की वजह से लाइट पूरी यहाँ होगी, सुबह उसको भी सही ठीक कर दूंगा मैं। बिजली का बिल कौन भरेगा, तो चलते हैं उसको लाइट को बंद करके आते हैं। मैं अकेला जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ ऊपर लाइट बंद करने इसको यकीन नहीं आ रहा मैं जा रहा हूँ। तो लेट्स गो कॉन्सर्ट, ये है डीजे मंजूर, आगे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दादू लिखा हुआ है इको डीजे मंजूर इको दादू, लेकिन इसका बेस बहुत अच्छा नहीं था ना। ये हम देने ही भूल, क्या है नहीं है मेहंदी किन्नी यक यक। सो ये इधर हचित हचित इतने रखिए लुंडे है ना। अभी ये ऐसे ऐसे ये डीजे मैं चला रहा था, लेकिन ये बंद ही नहीं किया। टैलेंट देखें भाई का, एक लात मारी पूरा निकल गया। तो अभी ये पता नहीं क्यों बोर कर रहा है, कब से सफाई कर रहा है। तो मैं आपसे सुबह को मिलूँ, क्या अभी ब्लॉग व्लॉग ठीक है, कोई कंटेंट वगैरह मिला तो मैं ब्लॉग बना लूँगा, वरना हम सुबह मिलेंगे। सो अभी कोई कंटेंट मिला तो ऐसे होगा, जो जो कंटेंट मिलता है तो आपसे बात करते हैं। हाँ मैं नहीं कर रहा साफ सफाई, हाँ मैं फॉरवर्ड लगा देता, मुझे क्या है, मेरा कंटेंट बढ़ जाएगा। सो ये बोला टाइमलेस बना दो फॉरवर्ड की लफ्ज़ में। सो हम लोग सेल उठाते हैं और यहाँ पे टाइमलेस बनाना स्टार्टेड। तो गाइज मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है, देखा ना दादा। तो गाइज मैंने पूरे घर की सफाई मैंने की है, इसने कुछ ही नहीं किया है। मैंने की है पूरे घर की सफाई, मैंने अकेले किया बैठकर, इतनी मेहनत लगी है, इतनी मेहनत लगी है। मैंने ऐसे बुहार उठाए, ऐसे सफाई, इधर मैं दिखाऊं से मैंने एक घंटा पूरे बैठ के सफाई की, फिर अंदर सोफे किए, इतनी मेहनत की है मैंने आज। इसने कुछ किया नहीं, बैठा था देख रहा था व्लॉग बना रहा था, क्या बोलो अब इसको यार, इसका अपोजिट ले लो यार, जो समझो यार। तो अभी हम लोग ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे। सो 1 2 एंड अब हम कल मिलेंगे दोनों ऐसे करके, एक शायर जी हाँ जल्दी करो टांगों दर्द हो रहा है, बोलिया फिर बताऊंगा। अच्छा ठीक है कल बताएगा। सो ऐसे ऐसे दर्द दर्द ऐसे ऐसे फिर हम कल ऐसे बन, हाँ 1 2। मैंने सुबह इसलिए वाला नहीं मिला क्योंकि मैं वादों भी नहीं था, उसके अलावा बहुत ज़्यादा काम थे, तो और ओप्पो यूनिस वाली नहीं थी क्योंकि वो भी बच्चों के पास थी, खेल रहे थे, अगर लेते तो क्या करते रोते,
जो से मैंने उनसे फोन भी नहीं ली और अभी मैं गुंडा बना पा रहा हूँ। इट्स मी बेबी। आई नो दैट। तो अभी हम लोग हवा तुम खुटल हैं। तो अभी हम लोग ने मैंने सोचा अभी टाइम है थोड़ा सा वहाँ पर बैठे तो ब्लॉग बना लेते हैं और इसके भी डिज़ाइन चेंज हो गए और बाकी डिज़ाइन कल चेंज होगी। नहीं आपके खुद ही ब्लॉग बना लो हम बैठ जाते हैं भाई। मैं घर जा रहा हूँ। हाँ दो कैमरा दो यार छोड़ो यार। हाँ सो अभी हम लोग सोचा अभी ब्लॉग एंड कर दे क्योंकि आज तो कोई काम था इतने काम ही थे ना। नहीं आज सिर्फ भागने का दिन था क्योंकि आज सफाई करने का सब भागे इस ग्राउंड को मैंने दो बार साफ किया। आज सिर्फ सफाई का दिन था ना इसलिए हम लोगों ने सफाई वगैरह की क्योंकि कल नहीं नजर नहीं आ कल नहीं परसों यार बदम चुप थी ना कल नहीं परसों लाइट अप करें कर लो कर कल नहीं परसों मेरे भाई की शादी थी तो आज सफाई वगैरह घर की पूरे की थी। हाँ हम की वजह तो कल नहीं परसों भाई की शादी थी इसलिए मैंने कहा थोड़ी सफाई वगैरह कर लेते हैं तो थोड़ी हम लोगों ने सफाई वगैरह कर ली और इसलिए मैंने कहा सफाई वाला ब्लॉग बनाऊंगा तो वो कुछ लोग ना स्क्रीनशॉट भेजते मुझे भेजते बोलो तुम यही काम कर रहे थे इस वजह से मैंने कहा मैं वो ब्लॉग नहीं बनाऊंगा है ना इस वजह से मैंने वो नहीं दिखाया। और ये डिज़ाइन यहाँ की ये डिज़ाइन चेंज हो गई ये हार वाली डिज़ाइन बन चुकी है और बाकी तकरीबन सेम है ये भी कल चेंज करवाएंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है ना ये सीधा वाला अच्छा नहीं लग रहा था और ये तो बाकी सेम ही है तकरीबन। और यहाँ पे भी कल यहाँ पे कुछ लाइट्स वगैरह लगवाएंगे वो देखते हैं कल वो उसका तो मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा है ना मसवा है ना। यस क्या खूब कहा है शाहर ने क्या खूब कहा है उसने कहा कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू उसने कहा फीलिंग्स से कुछ नहीं था सेवक है तो बताओ मैंने कहा नहीं गारंटी है आजकल सेवक वाला नहीं पेट्रोल पंप वाला चाहिए। अरे देखो मेरे पास तो नहीं है लेकिन अबू के पास तो है ना बस चलो भाई नंबर ड्रॉप करो हवालियाँ खत्म हो चुकी हैं अभी ये हम लोग ना ब्लॉग को एंड कर रहे हैं क्योंकि आज तो इतना कोई काम खास था नहीं है नंबर मैं नहीं देने वाला नंबर मैं दे दूंगा नंबर कर लो दे दो 9 8 8 8 भी नहीं बोलना डबल 3 ठीक है कोई भी कांटेक्ट ना करे इस नंबर से क्योंकि ये नंबर गलत दे रहा है मुझे इसका नंबर याद है। और उसके अलावा ये पूरा हाँ ये ऐसे आप पीछे बोलो खुद बोलो यार पीठ पीछे बोराएँ होती हैं क्योंकि अभी हम बातें होती हैं। हाँ बातें होती जो मैं कर रहा हूँ और तुम ये गाड़ी पे एकदम चक्कर मार रहा है मुस्तफा खान है ना मुस्तफा। तो अभी हम लोग सोचा थोड़ा ब्लॉग एंटर थे क्योंकि आज इतना खास हमने काम नहीं किया बस सफाई वगैरह घर की ओप्पो वो दिखा रहा है और गाना चला गया। सो अभी इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं मैं नेक्स्ट ब्लॉग पे वो छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा कल वाला 4 मिनट का ब्लॉग बनाऊंगा कि एक थोड़ा सफाई वगैरह 4 या 5 मिनट ज़्यादा बनाऊंगा और आज मैंने सोचा थोड़ा सा छोटी ब्लॉग बनाते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।